मानव बुद्धि पहले से कहीं तेज हो गई है नहीं नहीं इतना खुश मत होइए, लेकिन वैसे भी ये सच है मानवता के इतिहास में पहले से कहीं अधिक लोग आज अपने लिए सोच सकते हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं ये एक बड़ा सवाल है लेकिन कम से कम वो कुछ सोच तो रहे हैं तो जब मानव बुद्धि इस तरह से तेज हो गई है और ये आने वाले सालों में भी जारी रहेगी आप इसे रोक नहीं सकते तो जीवन के लिए किसी दूसरी जगह समाधान खोजना ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें धरती के सभी महान ग्रंथों के प्रति पूरे सम्मान के साथ पृथ्वी के ज़्यादातर धर्म ग्रंथ सामना नहीं कर सकते दो तार्किक सवालों का अगर आप दो सवाल पूछ दें तो वो ढह जाएंगे वो पवित्र और महान सिर्फ तभी तक हैं जब तक आपको उनसे ये सवाल पूछने से रोका जा रहा है ये सवाल वर्जित हैं ये सवाल धर्म ग्रंथ का अपमान है आपको ये नहीं पूछना चाहिए जब तक आप लोग उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं तब तक वो बिल्कुल आकाश में तैरते रहेंगे अगर आप दो सवाल पूछ दें तो वो ढह जाएंगे संपूर्ण दर्शन विश्वास प्रणालियां धार्मिक प्रक्रियाएं ये सब दो सवालों में धराशायी हो जाएंगे उनमें से ज्यादातर कुछ हैं जो निश्चित रूप से खड़े रहेंगे ये दो सवाल बहुत ही कम लोगों ने अतीत में इन्हें पूछा है या अब तक अब मैं दुनिया को दूषित कर रहा हूं मैं इन सवालों को आम बना रहा हूं आजकल लगभग हर कोई पूछ रहा है और ऐसे कई दूसरे स्रोत हैं जो और मानव बुद्धि की प्रकृति ही इन सवालों को पूछेगी एक बार जब ये सवाल आम हो जाते हैं तो हमें बस इतना ही करना है अगर आप नहीं जानते कि इसकी प्रक्रिया क्या है तो हमें बस इतना ही करना है हमें हर किसी के मन में दो सवाल डालने हैं जिससे हर तरह की काल्पनिक फिलॉसफी ढह जाएगी अगर लोग सच में कुछ बुनियादी सवाल पूछना शुरू कर दें तो सारे काल्पनिक समाधान जो ऊपर हैं ढह जाएंगे और यहाँ जीवन में आ जाएंगे एक बार ऐसा हो गया तो भीतर की ओर मुड़ना एक स्वाभाविक कदम होगा कोई दूसरा तरीका नहीं है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कितना हम इसमें कितना ईंधन डालते हैं ये निर्भर करेगा ये तय करेगा या सुगम बनाएगा हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं अगर हम हर किसी के मन में ये सवाल डाल दें आने वाले साल में तो आप देखेंगे कि दस साल के अंदर लगभग पूरी मानव आबादी योग कर रही होगी बस साधारण सवाल और कुछ नहीं जवाब जवाब की ज़रूरत नहीं है बस वो सवाल जिनके जवाब किसी किताब में नहीं है